शिमला के चौड़ा मैदान में वोकेशनल टीचर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज इस धरने प्रदर्शन का 8वां दिन है और ये वोकेशनल टीचर्स सरकार से प्रदाता कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए और कंपनियों को पूरी तरह से बाहर किया जाए। प्रदर्शनकारी वोकेशनल शिक्षक कंपनियों की तरफ से अनियमितताओं और प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं और इनकी वजह से इन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इन शिक्षकों को स्थायी नीति बनाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और इसके पीछे शिक्षा मंत्री ने वित्तीय संसाधन की कमी होना वजह बताया है। आने वाले दिनों में ये धरना और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप तस्वीरें पीछे तक देख सकते हैं, करीब करीब पूरे प्रदेश भर में करीब 2000 से ज़्यादा वोकेशनल टीचर्स हैं, 2200 के आसपास वोकेशनल टीचर्स हैं जो पिछले 7 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग यही है कि प्रदाता कंपनियों को बाहर किया जाए और जो एक पॉलिसी है बनाकर उन्हें डिपार्टमेंट के अंडर लाया जाए ताकि ये भी अपने आप को अपनी आवाज़ एक कर्मचारी वर्ग की तरह प्रदेश सरकार के सामने रख सके। जनरल सेक्रेटरी हैं वोकेशनल टीचर जो एसोसिएशन है इनकी स्टेट की, उसके नीरज बंसल जी। नीरज जी, क्या आपकी डिमांड है और सरकार की तरफ से जो बातचीत की पहल हो रही है उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है, कोई आसार नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में कुछ बात बन पाए? अब बात ऐसी है कि हमारे साथ जो है अधिकारी संपर्क में हैं। अभी हाल ही में हमारी बातचीत जो है वो एसपीडी महोदय से भी हुई। एसपीडी महोदय से जो बातचीत हुई वो सकारात्मक रही। उन्होंने हमें जो है वो अपने शिक्षा मंत्री महोदय का जो आदेश संदेश था हमारे तक पहुंचाना था, उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो सशर्त बिना शर्त के आप वापस जाएं, कॉल ऑफ करें, स्ट्राइक क्लोज करें, लेकिन हमारे व्यावसायिक शिक्षक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एजुकेशन मिनिस्टर साहब का कहना था कि हम इसी कंडीशन पे आपसे बातचीत करेंगे अगर आप जो हैं इस प्रोटेस्ट को जो है कॉल ऑफ करते हैं। क्या हड़ताल ख़त्म करके 12 तारीख को मुलाकात का जैसे वो बता रहे हैं, तो आपका क्या इसमें डिसीजन, आप हड़ताल ख़त्म कर ये प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे या फिर आने वाले वक्त में क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, फिलहाल हम प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो एसपीडी महोदय के साथ बैठक हुई वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं हुए हैं कि हम लोग जो हैं वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। हम चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आएँ, हमारे दिलों के दरवाजे खुले हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के शिक्षक हैं। आश्वासन ज़रूर मिल रहे हैं रोहित ठाकुर की तरफ से, शिक्षा निदेशक की तरफ से, विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, लेकिन डायरेक्ट जो टेबल टॉक है उसकी नौबत फिलहाल नहीं आ रही और इनका कहना भी यही है कि जब तक वो नौबत नहीं आती, जब तक साफ साफ आमने सामने बात नहीं होती, तब तक यहाँ से ये हटने के लिए तैयार नहीं है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, DD News।